हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। आपके जो पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, पार्टनर है, उनकी तरफ से आपके लिए हम मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। और ये एक लव लेटर चैनलिंग होगी, यानी कि वो अगर एक लव लेटर लिखते या कहीं ना कहीं कुछ आपको एक्सप्रेस करते टेक्स्ट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या कोई संदेश देना चाहते, तो वो क्या कहना चाहते और क्या कहना चाहते हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा व्यूअर्स, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्यूअर्स हम कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। सेवन ऑफ वैंड्स, नॉट बैड। सिक्स ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग। ओके, सो दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट एंड ओके अगेन वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। क्या बात है, इतने सारे वैंड्स, ठीक है, स्ट्रेंथ, नाइस। ओके व्यूअर्स, तो क्योंकि यहाँ बहुत सारे वैंड्स हैं, डेफिनेटली इनका एक मीनिंग है, तभी यहाँ पर इतने सारे वैंड्स हैं। ओके, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स मैं यहाँ पर कहूँगी मुझे फायर एनर्जी बहुत दिख रही है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ अट्रैक्शन, पैशन, स्पार्क, एक तरह से कहें तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा दिख रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान जैसा सोचते हैं आपके लिए या जैसा फील करते हैं, वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर। ये एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है ऐसा कहना गलत होगा। सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आई थिंक द वे यू लुक, द वे यू आर, आई थिंक आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, बहुत चार्मिंग दिखते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चार्म है, वो लुक्स हैं जो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो देखिए, लव लेटर्स हम यहाँ पर चैनल करते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए संदेश क्या है, क्या लव लेटर है। तो देखिए व्यूअर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है यहाँ, सबसे पहले ये इंसान आपको अपना प्यार कन्फेस कर रहे हैं। ओके, ये आपको संदेश में बता रहे हैं कि ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन हैं, उनका जो प्यार है, उनके जो इमोशंस हैं, या कहें कि उनके जो इंटेंशंस हैं आपको लेकर, वो बहुत प्योर हैं। ये सारी बातें वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके इंटेंशंस कितने प्योर हैं, उनकी फीलिंग्स कितनी जेन्युइन हैं, और वो आपके लिए कितने सीरियस हैं, वो कितना ज़्यादा आपको चाहते हैं या कितना आपके लिए सीरियस है, वो सब कुछ वो आपको कहीं ना कहीं कन्वे करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। ये सारी बातें वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इग्नोर दिस नॉइस, ये एरोप्लेन की आवाज़ है, ये प्लेन की आवाज़, क्योंकि ये एरिया ऐसा है यहाँ पर, ऐसी आवाज़ आती। तो ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पे कि ये जो है बहुत ज़्यादा आपके प्यार में डूबे हुए हैं, और ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए उनकी प्योर फीलिंग्स हैं, या बहुत उनके जेन्युइन इमोशंस हैं आपके लिए, उनका प्यार जो है वो ट्रू है। उसके साथ साथ यहाँ पर फीलिंग्स के साथ साथ मैं कहूँगी इमेंस अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं, ये भी वो आपको बोलना चाहते हैं। वो आपको बोलना चाहते हैं कि आपसे भी ज़्यादा गुड लुकिंग कुछ लोग होंगे, या आपसे भी ज़्यादा गुड लुकिंग लोग मैंने देखे हैं, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनालिटी मुझे इतना अट्रैक्ट करती है, या आप मुझे इतना अट्रैक्ट करते हो, आई डोंट नो हाउ।
मुझे नहीं पता कि वो क्या है आप में या कैसे होता है ये, कि कितने भी और बेटर लोग दुनिया में देखे हैं और कितने भी और होंगे भी, लेकिन फिर भी मुझे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि आप उतने अट्रैक्टिव उन्हें दिखते हो या उतने गुड लुकिंग आप इनको दिखते हो। साथ ही साथ व्यूअर्स से आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आई एम इग्नोरिंग एंड अवॉइडिंग ऑल ऑप्शंस फॉर यू। हो सकता है इनके लिए जैसे रिश्ते आते हैं या कोई इनको अप्रोच करता है, कहीं ना कहीं कोई इनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहे या ज़्यादा इनके साथ क्लोज होना चाहे या ज़्यादा इनके साथ फ्लर्ट करना चाहे, तो ऐसा लगता है दे आर नॉट वेरी ओपन अबाउट इट। और वो आपको बता रहे हैं दैट आई एम रिजेक्टिंग और निगलेक्टिंग अवॉइडिंग अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम यू ऑफ कोर्स, आई एम जस्ट अवॉइडिंग ऑल दोज प्रपोजल्स एंड ऑल दोज यू नो अटेंशन। तो जो भी उनको इस तरह से अप्रोच कर रहा है, चाहे दोस्ती के लिए या फ्लर्ट करने के लिए, ज़्यादा इनके करीब आने के लिए या शादी के रिश्ते क्यों ना आ रहे हो, या कोई और इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, या इनसे कोई और भी इन्हें अगर पसंद करता है और इनको अप्रोच करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने लिटरली अपने आप को ऐसा बनाया है या ऐसा प्रिपेयर कर लिया है कि वो सारे ही ऑप्शंस जो भी उनके आसपास हैं अवेलेबल, उनको वो अवॉइड करते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि उनका मन आप में ही लगा है, लगन मन सब आप में लग गया है, तो वो आपको ही देखना चाहते हैं अपने साथ। दे डोंट लाइक समवन एल्स टू बी विद दिस पर्सन, तो वो चाहते हैं आप ही उनके निकटतम आप ही रहो और आप ही के साथ उनका रिश्ता जो है वो डेवलप हो, ग्रो करे, आगे जाके और ज़्यादा इसमें यू नो स्कोप हो। तो इसीलिए ये बात वो आपको बोलना चाहते हैं कि मैं आपके लिए या आपके प्यार में मैं बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट करती हूँ या करता हूँ, मेरे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास और भी प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए या आपके प्यार में उन ऑप्शंस को अवॉइड करता हूँ करती हूँ, रिजेक्ट या इग्नोर करता हूँ करती हूँ। या तो उन्होंने अपने आप को एक ऐसे शेल में रखा है या एक अपने ऊपर एक ऐसी शील्ड लगा ली है जहां पर आपके अलावा कोई और उन तक नहीं पहुंच सकता। या दे आर वेरी यू नो श्योर अबाउट इट। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान खुद ही कंफ्यूज होता है कि ये भी ऑप्शन है मेरे पास, वो भी है, वो ऑप्शन भी बेटर लगता है, ये ऑप्शन भी बेटर है, तो वो कंफ्यूज जब होता है तो पता लग जाता है कि वो कहीं भी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि किसी के साथ अगर वो जेन्युइनली इमोशनली अटैच होता या होती तो फिर ऑप्शंस को कंसिडर करने की बात ही कहाँ से आ गई, दो चार ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होने की बात कहाँ से आ गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानकर भी आपको खुशी होगी कि इस इंसान को कन्फर्मेशन है, श्योरिटी है कि ये क्या चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन मतलब एंड ऑफ डिस्कशन, बात ही खत्म, आप कन्फ्यूज है इसका मतलब ये है कि आप क्लियर नहीं है, और जब आप क्लियर नहीं है इसका मतलब वो फीलिंग्स आपको नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ पर वो फीलिंग्स हैं तभी यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ज़्यादा क्लैरिटी है। साथ ही साथ व्यूअर्स वो आपको ये बताना चाहते हैं, दे लव टॉकिंग टू यू, चाहे बात कम हो पाती है या ज़्यादा हो पाती है, ओके, चाहे मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं तो वो कम हो पाते हैं या ज़्यादा हो पाते हैं, बट दे रियली इन्जॉय टॉकिंग टू यू, एंड मोर देन दैट दे इन्जॉय यू टॉकिंग। When you speak and you talk, they enjoy that a lot. यानी कि जब आप ज़्यादा बात करते हैं या आप कुछ एक्सप्रेस करते जाएंगे या बोलते जाएंगे या कहानी किससे सुनाते जाएंगे या समझाते जाएंगे, they just love listening to you. They just love your voice. They just love your way of communication or way of you know expressing. उनको पसंद है। कई कई लोगों का अंदाज़ इतना अच्छा होता है बात करने का, या उनकी बातों में वो जादू होता है कि वो बातें करते रहते हैं तो दूसरा इंसान सुनता रहता है और रिलैक्स हो जाता है। तो बिल्कुल उनको आपकी बातों में वही मैजिक लगता है कि आप जैसे बोलते रहें और वो आपको सुनते रहें। सो और दूसरी बात जो कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस बोलते रहो और मैं सुनती रहूं या सुनता रहूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोसेस, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, जहां आप बोलो और मैं सुनती रहूं। और दूसरी चीज़ उन्हें आपसे बातें करना एज इन आमने सामने बात करना, टेक्स्ट करके बात करना, कॉल पे बात करना, फ़ोन करके, कैसे भी आपसे बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है।
दे लाइक टॉकिंग टू यू, क्योंकि और किसी के साथ बात करके शायद ये बोर हो जाएंगे या और किसी के साथ बात करके इतना इन्वॉल्व या इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे या इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे. बट वेन दे टॉक टू यू इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, बातें भी आ जाती हैं निकल के, और बिल्कुल भी उनको बोरिंग नहीं लगता है, उनको एक्साइटिंग लगता है आपसे बात करना, आपसे चैट करना, आपसे यू नो कॉन्वर्जेशंस करना, ओपन कॉन्वर्जेशंस करना उनको बहुत अच्छा लगता है. चाहे आपकी बात कम हुई हो, अगर कम भी हुई है या कम होती है तो भी वो यू नो एक्साइटेड रहते हैं कि हमारी बात हो, या फिर वो आपकी आपके मन में क्या है वो सुनने के लिए एक्साइटेड रहते हैं. बट टॉकिंग इज जस्ट द बेस्ट थिंग दे लाइक इन दिस कनेक्शन. जबकि चाहे बात ज़्यादा ना भी हो पाए, इवन बेयर मिनिमम भी अगर थोड़ी सी बात होती है, दे जस्ट इन्जॉय दैट, दे इन्जॉय दैट. या यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये तो आपसे कहना ही चाहते हैं कि बात करना बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही साथ ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है. आई हैव अलॉट इन माई हार्ट टू से, आई हैव अलॉट इन माई माइंड टू एक्सप्रेस, और यू नो आई हैव अलॉट टू कन्फेस. तो यहाँ पर वो आपसे बोलना चाहते हैं मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए. ओके, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए. आई जस्ट डोंट गेट द राइट अपॉर्चुनिटी, और आई जस्ट फील अ बिट नर्वस और बिट शाय. मैं थोड़ा शर्मा जाती हूँ आपके सामने, नर्वस हो जाती हूँ, कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ पाता, इतना स्ट्रेंथ फील नहीं होता है, इतना करेज फील नहीं होता है कि जो मेरे दिल में है वो बता दूँ. लेकिन वो आपको बताना ये तो चाहते हैं कि अभी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते, और मेरे दिल की बातें हैं वो. तो मेरे दिल की बहुत सारी बातें हैं जो आप अभी नहीं जानते, और आई रियली वॉन्ट टू से, आई रियली वॉन्ट टू कन्फेस. ओके, तो ये वो आपको बोलना चाहते हैं. साथ ही साथ ऐसा लगता है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, ये विक्ट्री को भी दर्शाता है, एक तरह की जीत, एक तरह की सफलता. ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बोलना चाहते हैं कि ये जो प्यार है हमारा, या ये जो कनेक्शन है हमारा, हम उसमें जीत हासिल करेंगे. ऐसा नहीं है कि हमारा प्यार बिछड़ गया, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, या हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए और मूव ऑन कर लिया, यू नो एक दूसरे को भूल गए. ऐसे आसानी से गिव अप नहीं करेंगे एक दूसरे पर. या ये कहना चाहते हैं, मैं तुम पर आसानी से गिव अप नहीं करूँगा, या मैं आप पर आसानी से गिव अप नहीं करूँगी. I will not give up on you. यानी कि मैं गिव अप नहीं करूँगा या करूँगी, मैं ट्राई करूँगा हमेशा, मैं हमेशा एफर्ट लूँगा या लूँगी, और कभी भी आसानी से क्विट नहीं करूँगी, कभी भी आसानी से गिव अप नहीं करूँगा. तो इस तरह से वो आपको बताना चाहते हैं कि मुझे इस प्यार में, इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में जीत चाहिए, प्यार की जीत, इस रिश्ते की जीत. ओके, लाइफ चैलेंजेस के आगे, या कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के आगे, हम इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करेंगे, या हम इस लव को, इस प्यार को गिव अप नहीं करेंगे. और मैं नहीं करूँगा, स्पेशली अपनी बात कर रहे हैं कि मैं गिव अप नहीं करूँगा इस कनेक्शन को किसी भी आउटसाइड इंटरफेरेंस या आउटसाइड चैलेंजेस की वजह से, या मैं कभी क्विट नहीं कर सकता. I will not be able to forget you. मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा या कभी भूल नहीं पाऊंगी. मुझे इस रिश्ते की जीत चाहिए, मुझे इस प्यार की जीत चाहिए. तो ये सारे मैसेजेस उनकी तरफ से चैनल हो रहे हैं व्यूअर्स. उनका काफ़ी पॉजिटिव विजन है, फ्यूचर को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच है. ये जानकर देखा तो अच्छा लगा ये कि ये बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और जब इंसान सोच लेता है ना मुझे गिव अप नहीं करना, तो आधी सफलता तो उसे मिल ही जाती है. ओके, तो वो विक्ट्री चाहते हैं, और विक्ट्री मुझे लगता है कि इतना फेथ है उनका, तो विक्ट्री उनकी होगी, जीत होगी आप लोगों के प्यार की. क्योंकि इन्होंने आपको जो जो लव लेटर में या मैसेजेस में जो जो बताया है, वो मेनली यही बताया है, ये एक्सप्रेस करना चाहा है कि वो आपसे प्यार कितना करते हैं, आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड कितने हैं, उन्हें आपसे बातें करना कितना अच्छा लगता है, और वो आपके साथ इस प्यार की जीत चाहते हैं ना कि हार. और वो आपके लिए दूसरों को भी रिजेक्ट कर सकता है. तो वो अपना प्यार बता रहे हैं कि मैं कितना करता हूँ. वो यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि उन्हें आपसे शिकायतें क्या हैं, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो आपसे प्यार कितना करते हैं. और साथ ही साथ ये भी बताया है कि देयर इज़ अ लॉट इन माई हार्ट और इन माई माइंड विच आई एम नॉट सेइंग. अभी भी बहुत मेरे दिल दिमाग में बातें हैं जो मैं कह नहीं पाता हूँ या कह नहीं पाई हूँ. इसीलिए वो शायद ये मैसेज भी आपको दे रहे हैं कि मुझे आपसे बातें करना बहुत पसंद आएगा, या बातें करना बहुत अच्छा लगता है. या
साथ ही साथ व्यूवर्स आपसे ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, लेकिन जब आपको कन्फेस करने की बारी आती है, आपके सामने कुछ बोलने की बारी आती है, तब मुझे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा शाय, थोड़ा सा कह सकते हैं स्ट्रेंज लगता है काफ़ी, और काफ़ी करेज फील नहीं होता उतना, उतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये भी कहें, वो भी कहें, ऐसा भी कहें। तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो कि थोड़ा कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 50-60% थोड़ा इस टाइप के हो सकता है कि ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर सकते दिल की बात को। दिल की बात को दिल में रख के इन्जॉय तो बहुत करते हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव आई थिंक, बट उनको आपसे बात करना या आपकी बातें सुनना पसंद है। तो दुनिया जहाँ के लिए कुछ भी हो, लेकिन जब प्यार कन्फेस करने की बारी आएगी तो ऑफकोर्स पीपल गेट शाय। आइए चले देखते हैं और क्या हैंड रिटन मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट कार्ड रैंडमली। यू आर लाइक माई फैमिली, ब्यूटिफुल। तो वो आपको बोलना चाहते हैं तुम मेरे परिवार की तरह हो। You are like my family, तुम मेरे परिवार की तरह हो मेरे लिए। तो व्यूवर्स, जैसे ये आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, ये आपसे बोलना चाहते हैं, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे आपके साथ ही मेरा परिवार कंप्लीट होता है, या तुम्हारे साथ मेरा परिवार कंप्लीट है, या तुम्हारे साथ एक फैमिली मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर वो आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह देख रहे हैं, यानी कि आपको अपने परिवार ही समझते हैं, अलग नहीं समझते। डोंट प्रेशर मी, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स के ये कहना चाहते हैं कि मुझ पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है देर इज़ समवन और सम सिचुएशन इन देयर लाइफ जिसकी वजह से थोड़ा सा बर्डनड और प्रेशराइज्ड फील करते हैं और उसके लिए मना कर रहे हैं। हो सकता है किसी वजह से इनके ऊपर प्रेशर आता है। लेट्स लीव द पास्ट बिहाइंड अस, तो वो आपसे जैसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ या जो कुछ हुआ था, उसको पीछे छोड़कर ही हमें आगे जाना चाहिए। जैसे पास्ट को हम पीछे छोड़कर आगे आ जाते हैं, ऐसे ही पास्ट की जो बातें हैं या पास्ट में जो कुछ हुआ है, उसको भी पीछे छोड़कर अब हमको, यानी कि आपको और उनको आगे बढ़ना चाहिए इस कनेक्शन में। ये वो आपसे कहना चाहते हैं, ये मैसेज जैसे वो आपको देना चाहते हैं। एंड हे, आई डोंट नीड दीज मेनी कार्ड्स। चलिए, ये कार्ड जो है, आई मिस यू, डू यू मिस मी, तो व्यूअर्स वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तो आपको मिस करता हूँ, करती हूँ, क्या आप मुझे मिस करते हैं? आपसे भी जानना चाहते हैं वो कि क्या आप भी उन्हें वैसे ही मिस करते हैं या मिस करती हैं जितना और जैसे वो आपको करते हैं मिस। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये एक मैसेज ये भी चैनल हुआ है कि वो आपको याद बहुत करते हैं, वेर एवर दे आर, जहाँ भी होते हैं, बिजी या फ्री, वो आपको याद बहुत करते हैं। या इंटरेस्टिंग, आइए चलिए देखते हैं आपके और उनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ अल्फाबेट्स है जिसमें से है एम, सी, जी, ई, पी, के, यू। तो यहाँ से देखें तो यू, के, पी, ई, जी, सी, एम, एम, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं व्यूवर्स जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। अगर ये अल्फ़ाबेट्स रिलेट नहीं करते हैं आप लोगों के नाम के साथ, तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और जोडियक साइंस, ये सभी जोडियक साइंस के लिए है रीडिंग, फिर भी ये कुछ प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो फायर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वाटर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सो फायर एंड वाटर यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन ये सभी जोडियक साइंस के लिए है और सभी के साथ रिलेट कर सकती है। इम्पॉर्टेंट अगर डेट्स और नंबर्स बताएं, 8/18/28, यस, 6/16/26, यस, एंड 7/17/27, या 3/13/23, 4/14/24, 1/31/21/11, ये कुछ डेट्स और नंबर्स हैं जो रेलिवेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में।
आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है व्यूवर्स। आप कमेंट करके बताइए कितने परसेंट रेजोनेट करती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पर। और फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।